मथुरा में गिरी बिजली, पेड़ के नीचे बैठी दो महिलाओं की मौत, दो झुलसी। मथुरा के गोवर्धन में बारिश के दौरान पेड़ के नीचे बैठी महिलाओं पर बिजली गिर गई। दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं बुरी तरह झुलसी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि रविवार को नथी देवी 38 वर्षीय पत्नी नहने, माया देवी 36 वर्षीय पत्नी जगदीश, जशोदा 48 वर्षीय और राजन निवासी गण सैनी मोहल्ला गोवर्धन, मनोज पुत्र हरिबाबू कौशिक निवासी मोहम्मदपुर के खेत में धान से खरपतवार नुकाने गई थी। दोपहर में झमाझम बरसात शुरू हो गई। महिलाएं नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आसमान से तरतराती बिजली महिलाओं पर जा गिरी। नथो देवी, माया देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जशोदा और राजन झुलस गई। आधे घंटे तक महिलाएं पेड़ के नीचे अचेतावस्था में पड़ी रही। किसान पप्पू निवासी जमुना वता ने फोन कर एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची तब तक ग्रामीणों ने घायलों को निजी अस्पताल के एम्बुलेंस से सीएससी गोवर्धन पहुंचा दिया, जहां चिकित्सकों ने नथो देवी माया देवी को मृत घोषित कर दिया। जशोदा और राजन का उपचार चल रहा है। डॉक्टर हेमराज सिंह ने बताया कि दो महिलाओं की मौत हुई है, दो महिलाएं घायल है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जाम में फंसी एम्बुलेंस, बिजली से घायल महिलाओं को लेकर जा रही निजी अस्पताल की एम्बुलेंस 20 मिनट तक जाम में फंसी रही। एक तिराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मी चाय की दुकान में तमाशबीन बने रहे। जाम में फंसी एम्बुलेंस को निकालने के लिए स्थानीय युवकों ने ई रिक्शा एवं सड़क किनारे अव्यवस्थित खड़े वाहनों को हटवाकर मार्ग को सुचारू कराया, तब कहीं जाकर एम्बुलेंस को रास्ता मिल सका।